इन लोग के लिए दो ठंडा गरम लाना। हाँ तो भाई साहब लोग कौन सी पॉलिसी लेंगे आप? अरे कौन है भाई देव? कौन मतलब कितने वाली? अरे कितने वाली का मतलब जितना मर्जी चाहिए दे दे, हम तो लेने खातिर आए हैं। जितना मर्जी तो कितने वाली, जैसे 10,000, 1,00,000, 5,00,000, 10,00,000, कितने वाली? 5 वाली कहे? हमका तो 10,00,000 वाली दे दे। 10 वाली बस दे दे। अच्छा इनका 10 वाली दे रहे हो तो हम उनको 10,000 वाली दे दे। नाम क्या है? मुसद्दीलाल दीक्षित। काम? एक पॉलिसी। पॉलिसी कितने की? 2,00,000 की। तो आइए ना, मैं आपका काम कराता हूँ। आइए आइए शुक्ला जी। जी शुक्ला जी, 2,00,000 का बीमा निकलवाने के लिए आए, जाने मत देना। आइए, ये है शुक्ला जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी जी जी, बढ़िया। वाह सर। भाई साहब एक मिनट के लिए। हाँ भाई साहब, आप लोगों के 10-10 लाख के पॉलिसी का प्रीमियम हुआ 50,000 रुपये, चेक या नगद? चेक में क्या, हम तो नगद लेंगे। नगद देंगे, बाद में पहले देंगे तब ना। देंगे? अरे देना क्या है, चौरसिया ने तो कहा, साहब ने कहा है कि पैसा देंगे। हाँ पर ठीक है, लेकिन आप लोग को अपने पॉलिसी की पहली किस्त तो देनी पड़ेगी ना। हाँ? हम देने आए हैं। अरे हम तो लेने के लिए आए हैं, वो तो चौरसिया बोला जाइए। बाहर में गया चौरसिया, बाहर निकलिए आप लोग। अरे अरे उठिए, यहाँ टाइम खोटी करे, उठिए। अरे चाय पानी तो करवा दीजिए। अरे चाय पानी घाटिया, इनको जरा चाय पानी कराओ दोनों को। बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। बड़े भाई साहब पता नहीं कहाँ कहाँ से। सर कौन सी पॉलिसी? सर जीवन जोड़। जीवन जोड़ तो काफी पुरानी हो गई आजकल तो। जीवन जोड़ ही जी सर। कितने की? 2,00,000 रुपये। 2,00,000, वेरी गुड। नाम सर? किसका, मेरा या पिताजी का? अपना, पिताजी का बाद में। मुसद्दीलाल दीक्षित। उम्र सर? किसकी, मेरी या पिताजी की? अपनी। भाई? 38 बरस। बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट है। सर डेथ सर्टिफिकेट नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट, वो मरने के बाद जरूरत पड़ती है सर। किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ पे विल और डेथ सर्टिफिकेट दोनों लगेंगे। नहीं, वो आपके बीवी बच्चों को जरूरत पड़ेगी, आपको नहीं। मुझे क्यों नहीं, क्या कानून बदल गया? हाँ पर फिलहाल तो बर्थ सर्टिफिकेट ही चाहिए सर। नहीं, फिलहाल तो मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट है। आपके पास अपना डेथ सर्टिफिकेट है? हाँ, नहीं मेरा नहीं, मेरे पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट है। सर आप पॉलिसी निकलवाने आए हैं कि पॉलिसी कैश करवाने आए? कैश करवाने आया हूँ। क्या जी? मैं अपने पिताजी के बीमे की रकम लेने के लिए आया हूँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? काय पहले पूछा नहीं आपने? ए भाटिया, कहाँ से ले आए यार? ये निकलवाने आए पैसा? अरे पैसा निकलवाने आए आप? जी। चलिए उठिए, खड़े होइए। सॉरी, ठीक है ले जाओ यार। कहाँ से, मतलब सुबह से ही। तो पॉलिसी कैश करवानी थी? जी। किसकी? पिताजी की। पिताजी का है? देहांत हो गया उनका। ओहो, कितने दिन हुए? 20 दिन। ओहो, तो 13वीं की थी या 14? हमारे यहाँ 13वीं होती है। अरे भाई साहब 13वीं पे तो पूरा खाना वाना होता है। जी हाँ, खाना वाना था। क्या भाई साहब, आपने बुलाया तक नहीं? जी अकेले अकेले 13वीं मला ली और बताया तक नहीं। ठीक है ठीक है, आप जैसे बड़े लोग हम जैसे छोटे लोगों को कहाँ पूछते हैं। अरे आप तो ऐसे शिकायत कर रहे हैं जैसे मैंने आपको शादी पे ना बुलाया हो। अब है कौन, किस खेत की मूली आप? क्या मैं आपको मूली नजर आता हूँ? जी नहीं, कद्दू नजर आते हैं। कौन है आपका इंचार्ज? कद्दू साहब, पटेल साहब। कहाँ बैठते हैं? ऊपर राइट में। मिस्टर पटेल। क्या? जी मुझे ये एक पॉलिसी। पॉलिसी? खड़े क्या है, बैठिए ना। आइए भाटिया, चाय वाय पियेंगे आप? जी चाय। देखिए ना मत कहना। नहीं नहीं मैं चाय तो पीनी ही पड़ेगी आपको। देखिए मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा, अगर नहीं पीना चाहते हैं तो ठीक है। भाटिया चाय कैंसिल। बताइए कौन सी पॉलिसी निकालना चाहते हैं आप? जी मैं पॉलिसी निकलवाना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने पिताजी की पॉलिसी कैश करवाना चाहता हूँ। कैश करवाना? जी। किसकी? अपने पिताजी। हाँ तो पिताजी कहाँ? जी उनका देहांत हो गया। ओ अच्छा, एक काम कीजिए आप कल आइए। कल क्यों, आज क्यों नहीं? नहीं क्या है, आज काम बहुत है और ऊपर से स्टाफ भी कम है। भाटिया जी, भाटिया जी जल्दी टैक्सी लेके आइए, मैडम को जाना है। जाइए। क्या हो गया टीना जी? अरे वो मैडम के बहन की सास फट गई और स्ट्रोक मर गया। स्ट्रोक फट गया, मैडम के बहन की सास मर गई। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ मैडम। यही तो। अच्छा नहीं हुआ ये? आपकी बहन का तो बहुत बुरा हाल होगा ना। यही तो, स्टॉक के सस्ते आते हैं, पिछले महीने तो खरीदा था, फट गया, बीमा भी नहीं करा था। हाँ? सास का, वरना नया स्टॉक आ जाता था। टैक्सी आ गई मैडम। चलो मैं जा रही हूँ।
थैंक यू। तो बहुत बुरा हुआ। हाँ भाभी चाय लाओ जरा। आपको पॉलिसी निकलवानी है ना? नहीं नहीं निकलवानी नहीं है, मैंने अपने पिताजी की पॉलिसी कैश करवानी है। कैश करानी है मगर वो फिर मुसद्दीलाल दीक्षित दोनों तो सीनियर कौन है? नेचुरली पिताजी होंगे ना। हाँ तो पिताजी को बुलाओ ना। पिताजी की तो डेथ हो गई है। ओ, कहाँ कैसे? यही आपके ऑफिस के नीचे जा रहे थे राइट साइड पे, तो सामने से बस आई और उसने कुचल दिया। राइट साइड से जा रहे थे ना, तो फिर तो क्या है कि एक्सीडेंट नहीं होगा, ये आत्महत्या हो गई। और सुसाइड केस में तो कोई रकम नहीं मिलेगी, यहाँ लिखा है ना। नहीं देखिए उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, बस ने उन्हें कुचल दिया है। बस ने कुचल दिया जी। हाँ फिर तो आत्महत्या नहीं हुई। वही तो मैं कह रहा था, ये तो हत्या हो गई जी। तो फिर तो पुलिस केस होगा, ये केस सॉल्व नहीं होता तब तक आपको कोई रकम नहीं मिल सकती। देखिए उनका एक्सीडेंट हुआ है ये बात पुलिस को मालूम है। अपराधी पकड़ा गया? नहीं वो तो भाग गया। हाँ तब तो मुश्किल है। क्या है अपराधी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है ताकि पता चले कि आत्महत्या हुई थी या हत्या हुई थी। आत्महत्या हुई है तो आपको रकम नहीं मिलेगी, मैंने आपको बता दिया है। और हत्या हुई होगी तो दो बातें हो सकती है, या तो बस ड्राइवर की आपके पिताजी के साथ पुरानी दुश्मनी होगी, या तो उसे किसी और ने हायर किया होगा। दुश्मनी हुई तो कोई बात नहीं, मगर किसी ने हायर किया होगा तो दो बातें हो सकती है, या तो हायर करने वाले को पिताजी की पॉलिसी से कोई फायदा होगा या तो नहीं होगा। फायदा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मगर होगा तो दो बातें हो सकती है, या तो वो आपका दूर का रिश्तेदार होगा या तो नजदीक का रिश्तेदार होगा। दूर का रिश्तेदार को दूर रहने दो, मगर नजदीक का रिश्तेदार हुआ तो दो बातें हो सकती है, या तो आपकी माँ हो सकती है या तो आप खुद हो सकते हैं। माँ तो ऐसा कर नहीं सकती, आप खुद ऐसा कर सकते हैं, तो दो बातें हो सकती है। आपने ऐसा किया क्यों? क्या जरूरत थी आपके पिताजी का कत्ल करने की आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने अपने पिताजी का कत्ल नहीं किया, आपका दिमाग सही खराब हो गया। देखिए अब डराइए मत, ओके? आई एम ओके गाइस। बैठिए ना, बैठिए। देखिए हो सकता है आपकी बात सच हो सकता है ये एक्सीडेंट ही हुआ हो। वैसे भी एक्सीडेंट बहुत होते हैं आजकल। आपके पास स्कूटर है? हाँ। ओहो है स्कूटर? मेरा एक दोस्त था, ओहो उसका तो जो एक्सीडेंट हुआ था, मतलब क्या हुआ? क्या था? ट्रक सीधा पटक कुचल दिया सीधा। मतलब इतना बुरी तरह से कि पहचानना मुश्किल हो गया था कि आदमी कौन सा था और स्कूटर कौन सी थी। तो फिर पहचाना कैसे? स्टार्ट करके देखा, स्कूटर स्टार्ट हो गई, आदमी नहीं बेचारा, दोस्त था। आपको देखा ना वो याद आ गया मुझे। आजकल क्या जीवन का कोई भरोसा नहीं रहा ना, स्टॉप हट गया। देखा ना अभी, देखा ना। आपका क्या है, आप यहां से अच्छे खासे सीटी बजाते हुए जाएंगे, स्कूटर स्टार्ट करेंगे, फट स्कूटर फट जाएगा। फिर आजकल क्या है आरडीएक्स रख देते हैं ना स्कूटर में, इसलिए सोचिए अगर ऐसा हुआ तो आपके बीवी बच्चों का क्या होगा? कौन खिलाएगा उन्हें? कौन पालेगा? कौन देखभाल करेगा? दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे बेचारे। नहीं तो आप बताइए ना मैं क्या करूं। बीमा कराया है आपने? एक्सीडेंट पॉलिसी कराना बहुत जरूरी है, कहे तो निकाल दो। नहीं नहीं कितना भरना होगा? कुछ नहीं, मतलब आपके बीवी बच्चों को जो मिलेगा ना उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। डोंट वरी यहाँ साइन कर दीजिए बस, यहाँ चेक अभी दे रहे हैं ना आप? नहीं चेक तो मैं बाद ही में दूंगा ना। नो प्रॉब्लम। 12,000 ध्यान रखना जी, 12,000 की किश्त होती है, ठीक है जी, जी। और बस साथ में बर्थ सर्टिफिकेट लाना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट भी बाद में लगा दूंगा। नो प्रॉब्लम ओके। एक बात बताइए, अब मेरे बीवी बच्चे सेफ है ना? अरे इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। ओके अच्छा वो पॉलिसी की रकम दे दीजिए। अभी प्रीमियम भरा नहीं, एक्सीडेंट हुआ नहीं और अभी से रकम चाहिए। नहीं मैं उस पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो? मैं दूसरी पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। कौन सी पॉलिसी? पिताजी वाली। अरे लेकिन अभी तय कहाँ हुआ है? एक्सीडेंट था, मर्डर था, सुसाइड था, तय नहीं हुआ है ना अभी। तो फिर कब तय होगा? वो तो कुछ नहीं, आप एप्लीकेशन कर दीजिए, फिर वो हमारे इंस्पेक्टर है पांडे और टीना, वो इंस्पेक्शन करेंगे, फिर मामले की तह तक जाएंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे जो करेंगे, ठीक है? ओके। हमने पूरा इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन की तह तक जाने के बाद पता चला कि आपके पिताजी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या हुई है। क्या? हाँ, क्योंकि उनकी लाश के पास एक अहम सबूत मिला है। क्या? मरते मरते आपके पिताजी ने अपने खून से कातिल का नाम लिख दिया था, बीमा। बीमा किसी कातिल का नाम नहीं है। बीमा की पॉलिसी की रकम को वो कैश कराने के लिए आपके ऑफिस के 2 साल तक चक्कर काटते रहे, रात रात दिन दिन उठ उठ के चिल्लाते थे वो, बीमा बीमा। बीमा किसी का नाम नहीं है, बीमा पॉलिसी का नाम है। नहीं 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 नहीं
पुलिस को पक्का यकीन है कि आपके पिताजी ने उन्हें मारने वाले ड्राइवर को पहचान लिया था और उसी का नाम था बीमा। अरे बीमा किसी का नाम कैसे हो सकता है भाई? अरे जब मुसद्दी हो सकता है तो क्या बीमा नहीं हो सकता? खैर मुसद्दी तो बहुत अच्छा नाम है, लेकिन बीमा किसी का नाम कैसे हो सकता है? हो सकता है, देखिए अगर बीना नाम हो सकता है तो बीमा भी हो सकता है। लेकिन बीना तो किसी लड़की का नाम होगा ना? तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि लड़की ने कत्ल किया, यानी लड़की बस चला रही थी? ऑफ कोर्स। लड़की किसी का कत्ल कैसे कर सकती है भाई? क्यों नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती, लड़की कत्ल नहीं कर सकती पांडे जी। पांडे के आगे जी लगाकर बोलेंगे तो कर सकती है, कितने कत्ल कर सकती है? पांडे कौन कहता है कि लड़की कत्ल कर सकती है? शर्म नहीं आती आपको ये कहते हुए? नहीं मैंने कब कहा कि लड़की ने कत्ल किया है, मैं तो कह रहा था कि वो आदमी ने किया। हाँ नहीं, बीमा किसी का नाम कैसे हो सकता है भाई? भीमा तो हो सकता है। भीमा? देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं आपके पिताजी एक्चुअली भीमा लिखना चाह रहे हो लेकिन गलती से उन्होंने बीमा लिख दिया हो। भीमा? आपके पिताजी की किसी भीमा नाम के आदमी से दुश्मनी थी? भीमा नाम के आदमी? देखिए सोच के बताइएगा, कभी आपके बचपन में पिताजी ने आपको किसी भीमा नाम के आदमी के बारे में कुछ कहा हो? कभी बातों बातों में ऐसे ही भीमा? हाँ बचपन में एक बार पिताजी ने मुझे भीम के बारे में बताया था। यस यस यस, इसका मतलब ये हुआ कि पुरानी दुश्मनी थी। क्या बताया था आपको? उन्होंने बताया था कि भीम नाम का एक पांडव था जो अपनी गदा से अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार देता था। तो उसने आपके पिताजी को बस से क्यों मारा, गदे से क्यों नहीं मारा? इसलिए नहीं मारा क्योंकि क्योंकि वो भीम जो था वो महाभारत में था भाई, सैकड़ों साल पहले। तो कोई और भीम हो सकता था, कोई और भीमा नाम का आदमी हो सकता था, सोचिए। हाँ एक बार मेरे पिताजी ने एक चोर को पकड़ा था। हाँ। उसका नाम भीमा ही था शायद। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस चोर ने बदले की भावना से आपके पिताजी का कत्ल किया। लेकिन आपके पिताजी को जरूरत क्या थी उस चोर को पकड़ने की? अरे कमाल है, वो घर में चोरी करने के लिए आया था। क्या? हाँ क्या क्या चोरी हुआ? नहीं चोरी नहीं हुआ ना, क्योंकि पिताजी ने पकड़ लिया था उसको। अगर नहीं पकड़ा जाता तो सब कुछ लूट जाता। हाँ बर्बाद हो जाते। हाँ सो तो है। दर दर की ठोकरें खानी पड़ती आपको, भीख मांगने तक की नौबत आ जाती आपकी। पांडे जी इस ख्याल से ही काम पड़ता है। पुलिस भी आपकी हेल्प नहीं कर पाती। लेकिन अगर आपके पास हाउस होल्डिंग पॉलिसी होती ना ही आपको भीख मांगने की नौबत आती ना ही दर दर की ठोकरें खाने की। ना बर्बाद होते ना लूटते। वो कैसे? क्योंकि हाउस होल्डर पॉलिसी देती है आपके घर की सुरक्षा का वचन। हाउस होल्डर पॉलिसी करवाइए, सुरक्षित रहिए, चोरी हो जाए क्लेम करिए, चोर पैसा वापस नहीं देगा तो हम देंगे पूरा पैसा वापस। सच? हाँ। बोलिए कितने की करवाएंगे? अरे 5 से कम की क्या करवाएंगे? 5 लाख? हाँ आपके घर में सामान की औसत कीमत क्या होगी? यही कोई 2.5-3 लाख रुपए। हमने 5 की पकड़ी है, यहाँ यहाँ और यहाँ 10 सकत कर दीजिए। यहाँ जब घर की सुरक्षा का सवाल हो तो सोचना नहीं चाहिए। हाउस होल्डर पॉलिसी देती है सुरक्षा का सत्य वचन। 20,000। 20,000 वो आज तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, आप तो अब आते जाते रहेंगे, कल ले लीजिएगा। जी थैंक यू। एक सेकंड। हाँ थैंक यू। ओके पंडित जी वो मेरे पिताजी की पॉलिसी की रकम? भाई वो तो बीमा के पकड़े जाने के बाद फैसला हुआ ना। बीमा के पकड़े जाने के बाद? हाँ आपके पिताजी का खाते। बीमा नहीं बीमा। भाई अब तो फाइल में बीमा छप गया है। अरे फाइल में मिटाया नहीं जा सकता क्या? मिटाया जा सकता है। बीमा की रकम का 5%। 5% दिया। ठीक है आपका काम हो जाएगा। भाई जब नंबर आएगा फाइल तो तभी आगे बढ़ेगी। अरे दूसरे लोगों की फाइल तो आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं, मैं 10 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ यहाँ पे लेकिन मेरी फाइल वहीं की वहीं पड़ी है। अरे आप कुछ करते क्यों नहीं? कर तो रहा हूँ भाई। अरे भाई जी आप प्लीज इनसे कहिए ना कि मेरी फाइल आगे बढ़ा दें। अरे भाटे जी बढ़ा दो यार। अरे इलीगल काम करवाना चाहते हैं भाई, फाइल तो नंबर से बढ़ेगी ना, हम तो लीगली काम करते हैं। सॉरी आई एम ऑलरेडी लेट। लीगल है इलीगल? लीगल। लीगल है ठीक है बैठिए आप जाके बुलाते हैं अभी आप। अरे ये क्या आप पैसे खाते हैं? आप भी कमाल की बात करते हैं। अरे पैसे भी कोई खा सकता है? तो क्या खाते हैं? 2%। 2%? हाँ बोलो बोलो सोचो मत। ठीक है दिए। ऐसे नहीं बयाना वाना तो दो। बयाना कितना दो? कुछ तो दो। चुपचाप जेब में डाल दो। अरे अपनी नहीं मेरी जेब में। ये रही आपकी फाइल। ठीक है अभी तो टाइम हो गया, कल आना, आपकी फाइल उषा मैडम के कैबिन में पहुंच जाएगी। मुसद्दीलाल दीक्षित जी हाँ। आइए मेरा ही नाम है। आइए बैठिए।
ये पेपर ठीक है? जी हाँ। कहीं कोई क्लेम वगैरह तो नहीं है? नहीं नहीं। कोई और भाई वगैरह है तुम्हारा? जी नहीं। अपनी माता जी से पूछा? नहीं नहीं, मैं घर का अकेला हूँ। नहीं, अगर माता जी की नजर में ना हो तो? मतलब? मतलब आपके पिताजी ने कहीं और दूसरी शादी वगैरह? ना ना, मेरे पिताजी एक शादी से ही बहुत दुखी थे। क्या? मतलब उन्होंने एक ही शादी की थी। एनओसी लगाया? एनओसी किसका? माता जी का। माता जी का साइन है ना वहाँ पे। ओह, माता जी क्यों नहीं आए? माता जी बीमार है। क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसे मत देखिए आप मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। वो रसोई में खाना पकाते पकाते चक्कर आ गया था उनको। खाना माता जी बनाती है? जी हाँ। बीवी है? बीवी है मेरी। सास है? सास मेरी नहीं है। आपकी नहीं, आपकी बीवी की सास? मेरी बीवी की सास नहीं है, है ना, मैंने बताया ना वो माता जी। ओ, 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 ओ। घर में स्टोव है? घर में स्टोव है। हवा कौन करता स्टोव में? मेरी बीवी। बीमा है? स्टोव का बीमा नहीं है। माता जी का? नहीं, माता जी का बीमा भी नहीं है। क्यों नहीं है? कल को जाके अगर स्टोव फट गया और माता जी चल बसी तो खाना कौन बनाएगा? ये तो हमने सोचा ही नहीं। देखिए, घर का नुकसान हो जाएगा वो अलग, नौकर का खर्चा होगा वो अलग। फायर क्लेम पॉलिसी आदमी को हर चिंता से मुक्त कराती है। हर आदमी को लेनी चाहिए, बीवी खुश हो जाती है। जी, जो कोई अपनी बीवी से करे प्यार, फायर क्लेम पॉलिसी से कैसे कर सकता है इनका? You are right. बताइए साइन कहाँ करना है? देखिए यहाँ पे बस एक ही साइन करना है यहाँ। ये बताइए वो चेक कब मिलेगा? बस ये फाइल हेड ऑफिस पहुँचते आपको चेक मिल जाएगा। थैंक यू। क्या हुआ, चेक मिला? अरे क्या होना था भाटिया साहब, आपके हेड ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते मैं पागल हो गया हूँ। कहते हैं कल आओ, परसों आओ। अरे हेड ऑफिस में तो टाइम लगता ही है, वहाँ लोग काम थोड़ी करते हैं, टाइम पास करते हैं। हमने देखिए आपका काम क्या चुटकियों में कर दिया है। अरे भैया, तुम हेड ऑफिस में क्यों नहीं गए? पढ़ नहीं पाए ना, पिताजी के पास पैसे नहीं थे। लेकिन आजकल तो एक से एक बढ़िया पॉलिसीज आ गई है, एजुकेशन पॉलिसीज। आपके बच्चे हैं? जी दो बच्चे हैं, मैं दोनों की एजुकेशन पॉलिसी करवा लूंगा। लेकिन आप मेरे पिताजी के बीमे की रकम मुझे दिलवा दीजिए। अरे वो तो हुआ, समझो ये फॉर्म पे साइन कीजिए। बस समझ लो हो गया। कितना भरना होगा? 10,000। 10,000। और जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तो उसको ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ सब। ये लो। हाँ। अब बताओ कि पिताजी के बीमे की रकम कैसे मिलेगी? शुक्ला जी, अरे इनका काम तो 5 मिनट में करा दे, 15% लगेंगे। 15%? 30,000? अरे अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो हेड ऑफिस में चड्डा जो है ना भाटिया, 50% लेता है साइन करने के। तो आप हैं, हम इसमें करवा देंगे 15% में। हमें थोड़ी कुछ नहीं, हमें तो बस। तो आपको क्या? एक पॉलिसी बैठी है, करवा लो, छोटा पूरा हो जाएगा। हो गई, समझ लो। चेक मिला तुम जो? आ गया ना आपका चेक? अरे जरा एक बार दिखा तो दो। पटेल साहब जो है डिलीवरी के लिए साइन कर दें, उसके बाद तो चेक आपका ही है। अच्छा। पटेल साहब चेक डिलीवरी के लिए साइन कर दीजिए। कैसे हैं? बस ठीक है जी। क्या हुआ? हाथ सो गया ऐसा लग रहा है। अरे तो इसे आराम से लटा दीजिए। नहीं 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 नहीं, हाथ को दबाइए। नहीं नहीं, तो नाखून पे थूक लगाइए। अरे ऐसे ठीक नहीं होता ये। तो कैसे ठीक होता है? वेट, पेपर वेट से शायद। ये लीजिए पेपर। भाटिया हटाओ ना ये। अरे ये पेपर वेट नहीं, पेपर वेट, पेपर वेट। ये ले लिया। ये इससे क्या है? ये जान ही नहीं। ठीक है। हाँ भाई, ठीक है भैया, आपका तो काम हो गया। अभी देखो इतना जल्दी काम तो यही होता है, बाकी प्राइवेटाइजेशन हो गया ना फिर तो गए समझो। अरे ये तो 2,000 रुपए का चेक है, पॉलिसी तो 2,00,000 रुपए की थी ना। मुझे लगता है कि 2 0 इसमें कम लगी है। नहीं नहीं, बराबर है। अरे बराबर कैसे है भाई, 2,00,000 रुपए का चेक होना चाहिए था, 1,98,000 रुपए कहाँ है? 5% हमारा कट गया इसमें, और 15% चड्डा साहब का, और 2% मेरा, 5% मेरा, 5% मेरा। हाँ, 5% मैंने अपनी मर्जी से काट दिया है भाई, सबको दे रहे थे तो मैं भी तो ले लूं। लेकिन मैनेजर साहब ये 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, 5, 35 और 2, 37, ये तो 37% हुआ ना, बाकी ये 63% तो मुझे मिलने चाहिए ना। यही तो आपकी सारी पॉलिसीज के प्रीमियम जो हमने भर दिए। मेरी पॉलिसीज? एक्सीडेंट पॉलिसी, हाउस होल्डर पॉलिसी, पेंशन पॉलिसी, फायर क्लेम पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, और एक मेरा जीवन पॉलिसी। अरे ओ भाई साहब, अरे ये तो बेहोश हो गया। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। अरे लेकिन इसने मेडिक्लेम पॉलिसी तो निकलवाई नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।